प्रदेश सरकार सभी प्रकार से विकास को लेकर के संवेदनशील है और बिहारी जी के इस पूरे ब्रज क्षेत्र को पूरी तरह से सजाने और संवारने की दृष्टि से ब्रज विकास परिषद का भी गठन किया गया है। मथुरा वृंदावन नगर निगम बन ही चुका है और सभी दृष्टियों से यहाँ पर काम की दृष्टिया केशव जी 635 करोड़ की दो सड़कें पिछले दो साल से लंबित है, अभी तक वो नहीं बनी है, केवल दो विभागों की लड़ाई की चक्कर लड़ाई नहीं है, कुछ एनजीटी के ऐसे मैटर रहते हैं जिसमें उसको ओवरटेक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका समाधान निकाला जा रहा है, उसके लिए अलग से लैंड प्रस्तावित की गई है और जिससे विकास का काम भी हो सके और वन क्षेत्र भी प्रभावित ना हो, इसका दोनों का संतुलन बनाने का प्रयास किया। सड़कें बन जाती हैं लेकिन जल निकासी का प्रबंध नहीं होता है जिससे कि बारिश आदि होने पर सड़कें टूट फूट जाती है और फिर दोबारा से बनने लगती है। पहले जो सड़कें बनी होंगी वो अलग बात है, वर्तमान में चाहे गाँव क्षेत्र हो चाहे नगर क्षेत्र हो, कहीं पर भी सड़कों का अगर नव निर्माण हो रहा है या तो पूरी तरह से नवीनीकरण हो रहा है उसमें जल निकासी का प्रबंध किया जा रहा है। कुछ ऐसे मार्ग हैं जहां केवल नाली बना देने से जल की निकासी नहीं हो सकती, उसके लिए विस्तार से योजना की चर्चा आज हुई है, सिंचाई विभाग से जल निगम से चर्चा करके उसका भी प्रबंध किया। ऐसा है, आज ब्रिज के विकास की चर्चा हो रही है, जो जिम्मेदार बताने वाले हैं कौन जिम्मेदार है वो देश की जनता देखती रहती है और उसका जवाब अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में दे दिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले 330 संसदीय क्षेत्रों पे अकेले और 353 हमारे सहयोगियों के साथ हमने जीता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसके केंद्र में हमारी सरकार बनी है, जनता के द्वारा दिए गए जवाब से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उनको अभी कई बार जवाब देने का काम जनता करती है। सर, ये 17 ओबीसी को अभी एससी में किया है, इस पर संसद में कहा उन्होंने मंत्री जी ने कि ये गलत है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का प्रदेश की सरकार ने पालन किया है और उस आदेश के अनुपालन में कहीं कोई त्रुटि होगी तो बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, एक बार मैंने बना कि यमुना पुल टूट गया, बिल्कुल बेकार हो गया है, उसका आज ही आपने तुरंत निर्णय दिया है कि जो समय इसके चीफ परियोजना अधिकारी होंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। अभिनेत्री समाना आज भी बयान दिए, जो भी सरकार के खिलाफ बयान देगा उसको देश विरोधी करार दिया। उनके बयान को 130 करोड़ देश की जनता तो सुन नहीं रही है ना, वो बयान इस तरह के देंगे तो देने दीजिए, लेकिन हमारा काम है देश को आगे ले जाना, दुनिया में नंबर 1। मंत्री जी, आपने घोषणा की थी मथुरा वृंदावन को फोर लेन करने के लिए, वो प्रस्ताव अभी तक अटका हुआ और संभावना है कि वो नहीं होने जा रहा है, आपको शायद जानकारी नहीं है, पूरा जानकारी कर लीजिए करिए जी जी, वो स्वीकृति के निर्देश है और उस पर प्रक्रिया। 10 मीटर की बात कर रहा है विभाग, 10 मीटर की सड़क बनेगी केवल 10 मीटर। जहाँ सड़कों को बनाने में हमें समस्या नहीं है, कुछ जगह नीति की प्रॉब्लम आती है, कुछ जगह अतिक्रमण ऐसे है जिनको पूरी तरह से तोड़ने से केवल उजाड़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, कोई उजड़े तो वो बसे भी कैसे, दोनों का संतुलन बना करके हम लोग। सर, निर्माण के राम मंदिर निर्माण के बड़े पक्षधर है, जो नए इंडिया की न्यू इंडिया की बात हो रही है, वहाँ क्या राम मंदिर का मुद्दा कुछ है निर्माण का? राम मंदिर तो बनेगा, उस पर मैं समझता हूँ आज चर्चा का विषय नहीं, राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के सामने मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए मथुरा और यहाँ पर आकर उन्होंने की पत्रकारों से बातचीत, विकास कार्यों का लिया जायजा, की समीक्षा और जो कुछ उन्होंने कहा वो सुना आपने। जहाँ विकास के काम में कहीं कोई अड़चन थी उसको दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। दो महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आज यहाँ पर किया हूँ मैं, जिसमें जो यमुना एक्सप्रेस वे वृंदावन कट से पागल बाबा मंदिर तक यमुना नदी पर निर्माण से 4 लेन की सड़क का निर्माण कार्य की घोषणा है, जो गोवर्धन से बरसाना मार्ग पर गोवर्धन के निकट 4 लेन ऊपरगामी एक जो सड़क 4 लेन की बन रही है उसमें आरओबी भी बनाने का काम करेगी। साथ ही यहाँ के विकास की दृष्टि से आज 18 परियोजनाएँ कुछ 6 करोड़ 91 लाख के लागत की हैं,
वो अभी यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पित किया गया है, और कई सड़कें जिनके काम धीमे चल रहे थे उनको तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो भी विकास का काम है उसकी गति नहीं थमने पाएगी, यह हम विशेष तौर से ब्रज क्षेत्र की जनता को अपनी पूरी सरकार की ओर से आश्वस्त करें। लेकिन सामाजिक दृष्टि पर यह देखने को मिलता है कि आपकी तरफ से नए प्रस्ताव आ जाते हैं, नई कार्य योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन धन आवंटन के स्थिति में वो दम तोड़ती है। नहीं, आपके जानकारी में नहीं है, पूरी जानकारी किया करिए, धन की कोई कमी नहीं, विकास के काम के लिए धन की कोई कमी ना थी, ना है, ना होने वाली। जहाँ पर आपको कोई ऐसा इनपुट जहाँ पैसे नहीं खर्च किए होंगे, कहीं डिमांड नहीं गई होगी, वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति आपको होगी कि वो पैसा मांगे नहीं, पैसा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पूरा पैसा समय। मंत्री जी, दिग्विजय सिंह कहते हैं बीजेपी और आरएसएस मोब लिंचिंग की फैक्ट्री है। दिग्विजय सिंह जी मिर्ची का हवन कराएं और 2024 की फिर से तैयारी करें, और उनको उनकी पार्टी सहित देश की जनता हराएगी और लगातार कमल खिलाएगी। वो क्लासीफाई करते हैं जय श्री राम के नारे को, वो कहते हैं आरएसएस महिला विरोधी है, जय सिया राम क्यों नहीं बोलते, सीता जी का नाम क्यों नहीं लेते? ऐसा है कि शायद मैं समझता हूँ श्री का मतलब नहीं मालूम है, क्या बात कर रहे हो यार, वो इसलिए ऐसा कहते होंगे। सिया कहिए, चाहे श्री कहिए, चाहे राधा रानी सरकार कहिए, चाहे जो कहिए, उसका अर्थ उनको नहीं मालूम है, तो कहीं हमारे वृंदावन के पूज्य संतों के पास आवे तो उनका अर्थ समझाए। वृंदावन के संतों ने आपको ज्ञापन दिया है। देश की बड़ी अभिनेत्री है शाबाना आजमी, उनका कहना है कि आज अगर भाजपा के विरोध में कोई भी बात की जाए या सरकार के विरोध में उनको आईना दिखाया जाए तो वो देशद्रोही कहला दिया जा सकता है। देखिए, शाबाना जी के बारे में मुझे इसलिए कुछ नहीं करना है क्योंकि वह कोई 130 करोड़ देश की जनता को संदेश देने वाली नहीं है, वो जो बात कहना वो कह रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य देश को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाना, सबसे विकसित बनाना, सबसे मजबूत बनाना, और मोदी जी के नेतृत्व को काम हो रहा है और योगी जी के नेतृत्व। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वृंदावन के संतों ने आपको ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा है कि संत बड़ा सोच नहीं लिए गए हैं और उसमें कठोरतम कार्रवाई होगी, कोई असुरक्षित भी नहीं महसूस करेगा और यहाँ के कोई भक्त और यहाँ के नागरिक भी नहीं महसूस करेंगे, और जिन लोगों ने इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया है कठोर से कठोर। सर, प्रदेश की कानून व्यवस्था के दो ताजा उदाहरण है, एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की पत्नी की हत्या बाराबंकी में हो रही है और एक तरफ SC ST आयोग के अध्यक्ष टोल पर गुंडाई करते हुए नजर आए हैं, उनके CCTV कैमरे में वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, FIR देख लिया जाएगा, जो होगा उस पर निर्णय।